Hello students, today I am going to teach you the third chapter of your book Flamingo. The name of the chapter is Deep Water. First of all, the summary of Deep Water. The Deep Water is written by William Douglas. William Douglas was born in Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Art in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yamika. It means he had been a teacher also. Wo teacher raha hai. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. अब उसने लीगल करियर में कानून पढ़ना शुरू कर दिया. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड ऑफ द प्रेजिडेंट. ये यूएस के प्रेजिडेंट का फ्रेंड हो गया. इट मीन्स काफी बड़ी हस्ती बन गया. और रिनोड मीन्स प्रसिद्ध पर्सनलिटी बन गया. डगलास वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. लोगों के अधिकारों का बहुत बड़ा एडवोकेट वो बना. ही रिटायर्ड इन 1975 विद टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स. सबसे ज्यादा सर्विस किया 36 ईयर्स तक जॉब किया. And remains the longest service justice in the history of the court. इतनी बड़ी हस्ती के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया डीप वाटर. What is there in the chapter? Summary type में मैं बताता हूं. Deep Water is an autobiographical account of an experience of author's childhood. इस लेखक के विलियम डगलास के बचपन के अनुभव का एक आत्मकथात्मक अपनी ही अपने साथ जो बीती वो बताया. विच लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन हिज माइंड. और इस अनुभव ने उसके ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी. दिस हैपनिंग वुड टीज हिम अप टू ए लॉन्ग टाइम टिल ही टर्न एडल्ट. और जो अनुभव उससे मिला उसने उसको बहुत लंबे समय तक सताया जब तक वो काफी बड़ा नहीं हो गया. When he was a child, he was drawn into a swimming pool. जब वो छोटा एक बच्चा था तो स्विमिंग पूल में उसको फेंक दिया गया, डूब गया वो, by some strong boy. एक मजबूत कदकाठी के लड़के ने उसको उसमें फेंक दिया था. एंड ही एक्सपीरियंस्ड अ टेरर एट द टाइम. और जो डर का अनुभव उस समय उसको हुआ. एंड ही डेवलप्ड अ फोबिया फॉर वाटर. जीवन काफी बड़े होने तक भी उसे जल से पानी से डर लगता रहा. एज ही ग्रिव अप एन एडल्ट ही कुडंट एंजॉय एनीथिंग. बड़ा होने के बाद भी उस डर के दिल में बैठने के कारण वो किसी भी चीज का एंजॉय नहीं कर पाता था. एंड एज एन एडल्ट ही रिजोल्ड. और जब वो का और बड़ा हुआ तो उसने निश्चय किया, रिजोल्ड किया दैट ही वुड गेट ओवर दिस फियर. कि वो इस डर से बाहर निकलेगा. एंड ही ओवरकेम दिस फियर. और लास्ट में अल्टीमेटली उसने इस डर पर विजय प्राप्त की. इट इज ऑल रिटन इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में इसकी कहानी है. आइए पढ़ते हैं. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड. जैसा मैंने बताया ऑटोबायोग्राफिकल है, आत्मकथात्मक है, अपने जीवन के बचपन की कहानी बताता है लेखक. कहता है जब ये घटना मेरे साथ हुई मैं 10-11 वर्ष का रहा हूंगा. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. देयर वाज अ पूल एट YMCA in Yamika
that offered exactly the opportunity. और ये I had decided to learn to swim. मैंने स्विमिंग सीखने का निश्चय किया. There was a pool at YMCA स्टेडियम टाइप था वहां पर, जैसे कि स्टेडियम के अंदर पूल भी होते अभी भी होते हैं. तो YMCA में भी एक पूल था, यमिका नाम की जगह यूके में है वहां पर. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी और वहीं से मुझे स्विमिंग सीखने का अवसर मिला. द यमिका रिवर वॉज ट्रेकरस मदर कंटिन्यूली वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. Yamika river treacherous means dangerous thi, khatarnak thi. It means wahan par mishap hote rehte the aur isliye mother continually warned against it. Meri maa continuously mujhe warning deti rehti thi and kept fresh in my mind. Mere dimag mein baat taji bani rahe. The details of each drowning in the river. नदी में जब भी कोई डूबता तो उस घटना को याद दिलाती. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. इसके contrary, इसके विपरीत, YMCA में जो पूल था वो सेफ था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. Shallow means एक छोर पूल का गहरा नहीं होता जहां से बच्चे लोग भी उतर सकते हैं. उस साइड में वो केवल 2-3 फीट ही डीप था. एंड व्हाइल इट वाज 9 फीट और दूसरे छोर तक जाते जाते वो 9 फीट गहरा था. द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, गहराई धीमी धीमी बढ़ती थी. जैसे आप एक उथले छोर से नीचे उतरते उसमें तो उसकी गहराई 2 या 3 फीट थी, और जैसे जैसे आप मिडल में चलते कदम दर कदम वो गहरा 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 होता जाता. इसे कहते द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और जब आप दूसरे छोर पर पहुंचते तो वो 9 फीट गहरा हो जाता. I got a pair of water wings and went to the pool. मैंने pair of water wings बाहों में बैठ, जब स्विमिंग सीखने होते हैं तो बाजुओं में वो हल्के हवा वाले जो विंग्स बांध दिए जाते ताकि बच्चा डूबे ना. तो कहा कि मैंने अपने बाजुओं में water wings बांधे और पूल में उतर गया. I hated to walk. मैं चलने से हेट करता था, पानी में चलने से मुझे हेट. नेकेड इन टू इट, आई हेट इट टू वॉक नेकेड इन टू इट. बिना कपड़े पहने, नेकेड कहते हैं नंगा, पानी में उतरने में मुझे शर्म आती थी. एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्यों? क्योंकि स्किनी कहते हैं दुबली पतली सी. बिकॉज कहते हैं द ऑथर वाज सेइंग दैट ही वाज नॉट मच हेल्दी. वो हेल्दी नहीं था. तो स्किनी लेग्स के कारण मैं मुझे बड़ी शर्म आती थी नेकेड उतरते उसे. आई सबड्यूड माय प्राइड. सबड्यूड मींस दूर किया, रिमूव किया, हटाया अपने इस घमंड को. एंड डिड इट, और मैंने कपड़े उतार कर पूल में उतर गया. फ्रॉम द बिगिनिंग हाव एवर I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. शुरू में, however, I had an aversion. शुरू शुरू में aversion कहते हैं disliking. मुझे बड़ी disliking थी पानी से. When I was in it, जब मैं पानी में घुसा तो मुझे डिसलाइकिंग आती. क्यों? क्यों डिसलाइकिंग कब से शुरू? एक पहली कहानी बताता है अपने जीवन की. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old. जब मैं 3-4 साल का था, फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया एक स्टेट है यूके में.
तो उसके बीच पर फादर मुझे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ, और हम और मैं और दोनों सर्फ में खड़े। सर्फ एक कारपेट सी होती है जो पानी के ऊपर तैरती है, तो उस पर दोनों खड़े थे। आपने देखा होगा पानी के ऊपर तैरने वाली एक छोटी सी कारपेट होती है, नीचे से उसमें टेरपोलिन वगैरह लगी होती है, वो डूबती नहीं, एयर ही होती है। तो दोनों खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। आई हंग ऑन हिम, मैं अपने पापा को अपने फादर को पकड़ करके चिपट करके खड़ा था। तभी भी वेव्स लहरें नोकड़ टकराई और मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर लहरें आ गई। आई वॉज बरीड इन वॉटर, पानी मेरे, मैं पानी में लगभग दफन सा हो गया, पानी मेरे ऊपर उतर गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, सांस उखड़ गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया। फादर लाफ्ड, पापा पास ही थे, उनके लिए तो मजाक था, हंस गए। बट देर वॉज टेरर इन माई हर्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, लेकिन मेरे अंदर भय घुस गया दिल में, उस ओवर पावरिंग, उस बहुत अधिक शक्तिशाली वेव्स के, लहरों के टकराने के कारण। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर। मेरा YMCA में जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ जब मैं वहां गया, तो वो अनप्लेजेंट मेमोरीज जो मेरे फादर के साथ, जो मेरे फादर के साथ मैं समंदर में गया था, वो पुनः मेरी उधर रिवाइव हो गया, पुनर्जीवित हो गया, पुनः मेरे दिल में भर गया वो अनप्लेजेंट, वो दुखदाई विस्मृतियां। एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर, स्टिल्ड मींस हिला दिया अंदर से मेरे उस चाइल्डिश, उस बचपन के दर्द। बट इन ए लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, थोड़ी देर बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, उसको भुला दिया मैंने। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, पैरों से में जो बंधे हुए रबड़ के बड़े बड़े पैडल होते हैं तैरने सीखने के लिए, हाथों में भी होते हैं, तो मैंने पैडलिंग करना शुरू कर दिया। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, दूसरे बच्चों को, लड़कों को देखकर, एपिंग कहते हैं कॉपिंग, उनकी नकल करके, एप मीन्स बंदर होता है, APE, बंदर भी नकलची होता है, जैसे दूसरे लोग करते हैं तो वो भी नकल करता है, तो इसीलिए एपिंग कह दिया उसको। तो जिस जैसे दूसरे लड़के एपिंग कर, दूसरे लड़के कर रहे थे, मैंने भी उनको एप करना, उनको नकल करके उसी तरह से मैं भी करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने 2-3 बार अलग अलग दिनों में किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और आराम सा महसूस हुआ, ईज कहते ईजी बना जिससे ईज, और अपने आप रिलैक्स महसूस किया इन द वाटर, पानी में, व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, और तभी एक दुर्घटना हुई। कब हुई आई बताती हूं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज व्हाइट एज क्लीन एज बाथटब। मैं पूल में गया, उसमें कोई नहीं था, वो जगह पूरी शांत थी, वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल शांत था। एंड टाइल्ड बॉटम, बॉटम में टाइल लगी हुई थी, वो सफेद थी और बाथटब की तरह बिल्कुल साफ। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, आई वॉज टिमिड, टिमिड मीन्स डरपोक, कावर्ड, डर लगता था अकेला जाने में। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं साइड पर बैठ गया पूल के, दूसरों का वेट करने लगा कि दूसरे आएंगे उनके साथ ही। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉडी, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। He had a thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed
rippling muscles. He yelled, "Hi, Skinny, how you like to be duped?" I had not been there wrong. अभी मुझे थोड़ी समय नहीं बीता था और उसी समय इन केम अ बिग ब्रूजर. ब्रूजर मीन्स झगड़ालू टाइप, चिढ़ाने वाले बच्चे होते हैं ना, जिस तरह से अलग ही उनके चेहरे, उनके फेस देख करके पता चल जाता है कि अब देखो ये तो कुछ ऐसा ही लग रहा है. तो ब्रूजर कैसे भी झगड़ालू टाइप, कोरलसम, चिढ़ाने वाला एक लड़का, प्रोबेबली शायद 18 साल के आसपास का. उसकी ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, छाती पर बाल थे. ही वाज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और सुंदर गठिला शरीर उसका, स्पेसिमेन नमूना, फिजिकल शारीरिक रूप, विद लेग्स एंड आर्म्स, बाहें और टांगे, दैट शोड रिपलिंग मसल्स. रिपलिंग मींस गठिली मसल्स उसकी दिख रही थी. ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाय स्किनी. स्किनी मींस दुबले पतले हड्डियों वाला, और भाई हड्डी, इस तरह से कह करके चिढ़ाता, उसने चिढ़ाया. हाउ वुड यू लाइक टू बी ड्यूक्ड, आप कैसे तैरना पसंद करोगे? ड्यूक मींस तैरना. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, स्वलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बूट. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. विद डैट ही पिक्ड मी, और ऐसा कहकर उसने मुझे उठाया, टोस्ड मी, उछाल दिया मुझको, गहरे पानी में फेंक दिया. आई लैंडेड इन द सीटिंग पोजिशन, और मैं बैठा ही बैठा नीचे को पानी में उतरता गया. स्वलोड वाटर, निगल गया पानी को. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और बॉटम में तुरंत नीचे बॉटम में पहुंच गया. आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया. बट नॉट येट फ्राइटन, लेकिन इतना भी नहीं डरा. आउट ऑफ माई विट्स, के मेरी सेंसेस गायब हो जाए. विट्स मीन्स सेंसेस, मेरी ज्ञानेंद्रियों को खूब पता था कि मैं नीचे जा रहा हूं. ऑन द वे डाउन आई प्लैनड, और जैसे जैसे मैं नीचे पहुंचा, मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे क्या करना है. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, सोचा कि जैसे ही मेरे बॉटम से पैर टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस. मैं बिग जंप, सहारा लेकर के बॉटम का बिग जंप लगाऊंगा और सरफेस पर आ जाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट, और फ्लैट लेट जाऊंगा. एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडलिंग करके पूल के किनारे पर आ जाऊंगा. ये प्लानिंग इतनी भी सेंस नहीं कोई थी, सोचता जा रहा था. इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन हुआ उसके कॉन्ट्रेरी. जाते जाते ऐसा लगा कि रास्ता बहुत लंबा है. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, और वो 9 feet भी 90 feet जितने लगे. एंड बिफोर आई टच द बॉटम, और इसे पहले कि मैं बॉटम को छूता, मेरे पैर, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रिस्ट, मेरे फेफड़े फटने को तैयार हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हवा नहीं मिली. बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे कदम बॉटम से टकराए, आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ. समंड मींस भुलाया, कोल्ड अप, इकट्ठा की अपनी पूरी शक्ति. एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और वो किया जो मैंने सोचा था, और बड़ी शक्ति से ऊपर कूचला. आई इमेजिन्ड आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कोर्क, मैंने कल्पना की थी कि मैं एक बोब, एक लट्टू की तरह से, कोर्क की तरह से सरफेस पर ऊपर उछल जाऊंगा. इन स्टेड, लेकिन इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया. आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली. एंड सॉ, और देखा, बट वाटर, केवल पानी, पानी दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग, और पानी कैसा गंदा सा, येलो टिंग कहते कलर, हल्के से येलोइश कलर का. क्यों? क्योंकि शायद ऐसा हो सकता कि बाहर से येलो लाइट पड़ रही थी. आई ग्रू पैनिकी, पैनिक मेरे शरीर में दौड़ाया, भयभीत हो गया कंप्लीटली, यानी सेंस ऑर्गन्स ने काम करना छोड़ दिया. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, एंड माय हैंड्स क्लच्ड ऑन ओनली इट वाटर. मैं पहुंचा जैसे मानो कोई रस्सी होगी, मैं उसको पकड़ लूंगा, और मेरे हाथ क्लचेस ओनली इट, लेकिन रस्सी थी नहीं, केवल पानी ही पानी था.
आई वॉज सफोकेटेड, मैं घुटन महसूस कर रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाना चाहा बट नो साउंड, क्योंकि पानी में आवाज आती नहीं, पानी से बाहर नहीं आती। आई केम आउट, देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वॉटर, लेकिन मेरी आंख और नाक कम से कम पानी के बाहर आ गए, बट नोट माई माउथ, लेकिन मुंह नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वॉटर, मैं पानी की सरफेस तक टच किया। स्वलोड एंड चौकड, पानी मेरे मुंह में गया और चौकड़ में बंद हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वीट्स पैरालाइज्ड एंड फ्रीज्ड। मैंने कोशिश की कि मेरी लेग्स मैं अपने बाहर लाऊं, लेकिन वे ऐसे हो गए जैसे मर गई हो, डेड वीट हो गया, पैरालाइज्ड हो गई, जैसे कि अपंगता हो जाती है, जैसे कि अंग मर जाता है, रिजिड कठोर हो गई, हिलती नहीं थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और पानी का ग्रेट फोर्स मुझे अंदर की तरफ और मेरा खुद का वेट भी मुझे अंदर की तरफ ले जा रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, मैं चिल्लाया, स्क्रीमिंग चिल्लाया, लेकिन केवल पानी ही मेरी आवाज सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने अपनी पुनः यात्रा शुरू कर दी पूल की तलहटी की तरफ, बॉटम की तरफ। क्यों? ऊपर तो जा नहीं सकता था, बॉडी नीचे जाना दोबारा शुरू। आई स्टक एट द वॉटर एज आई वेंट डाउन, जैसे ही मैं नीचे जाता था पानी मुझसे टकराता गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, अपनी पूरी शक्ति को एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति को फैलाकर, अपनी पूरी शक्ति ले, जैसे एक नाइटमेयर कहते हैं डरावना सपना, और उस डरावने सपने में जब कोई इररेसिस्टिबल फोर्स पूरी ताकत के साथ लड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से। आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, मेरी सांसें उखड़ने लगी, माई लंग्स एकड, फेफड़े में दर्द होने लगा, माई हेड थ्रोब्ड, थ्रोबडमिस मेरे सर में, थ्रोबमिस अंदर, थ्रॉब कहते हैं इमोशंस का टकराना। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं बेहोशी मुझ पर छा रही थी, बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी युक्ति, स्ट्रेटेजी कहते हैं युक्ति, अभी भी याद थी कि मुझे क्या करना है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम आउट, कम लाइक अ कोर्क टू द सरफेस, कि मैं बॉटम में जाऊंगा और कोर्क की तरह सरफेस पर फिर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर पूरी तरह लेट गया, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और हाथ पैर थ्रेश करने लगा, मारने लगा। देन आई वुड गेट द एज ऑफ द पूल, और मैं पूल की तरफ आने लगा एंड बी सेफ, और सुरक्षित होना चाहता था। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं नीचे चलता गया, चलता गया अंतहीन तरीके से। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, लेकिन पानी था येलो ग्लो वाला, गहरा डार्क वाटर था जिसके थ्रू कोई देख नहीं सकता था। एंड देन शीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब ये एक अंदर मेरे अंदर एक मतलब दहशत, स्टार्क टेरर कहते दहशत, मेरे अंदर घेरा, पूरे मुझे घेर गया, पूरी दहशत मेरे अंदर आ गई। टेरर दैट न्यू नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो नो वन कैन अंडरस्टैंड, हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। आई वॉज शेकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, एंड देन शियर स्टार्क टेरर सेज्ड मी, मैंने कहा अभी मेरे अंदर गहरा डर बैठ गया, भयभीत हो गया कंप्लीटली, दहशत हो गई। टेरर दैट नोस नो, और एक ऐसा भय कि उसने मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग खराब कर दी, कुछ नहीं सोच सकता था। टेरर दैट नोस नो कंट्रोल, और एक ऐसा टेरर जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। नोज नो अंडरस्टैंड, हाँ, टेरर दैट नो वन कैन, ऐसा टेरर जिसको कोई समझ नहीं सकता था, हुएस नॉट एक्सप्लेन, जिसने उसका अनुभव ना किया। आई वॉज स्पीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर,
मैं अपंग होकर के पैरालाइज्ड होकर के पानी में पड़ा रहा, स्टिफ रिजिड एंड विद फियर, बिल्कुल कठोर हो गया, हाथ पैर चल नहीं रहे थे, अनमूवेबल, स्टिफ कहते हैं स्टेबल, स्थिर होकर के। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले में स्क्रीम कहते चीख भी फ्रोज हो गई, फ्रोजन मीन्स जम गई। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा दिल और मेरे सर जो पाउंड धक धक कर रहा था, विचारों का आवागमन हो रहा था, सेड होला दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, यानी मेरे अंदर चेतना थी कि मैं भी जिंदा हूं। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ द रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माय टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, उस भय के बीच में ही केम द टच ऑफ रीजन, तर्क आ गया, रीजन आ गया, तर्क मैं सोचने लगा, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे याद था कि मुझे कूदना है, उछलना है बाहर को, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम से टकराऊंगा, एंड एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में टाइल्स मेरे पैरों के नीचे आई, माय टोज रीच्ड आउट, मेरे टोज बाहर आई, मानो टू ग्रैब देम, मेरे टोज उससे टकराए, मानो मैं उनको पकड़ना ही चाहता था टाइल्स के, कब मेरे पैरों के नीचे टाइल्स आए और मैं कब मैं उछलूं। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने पूरी शक्ति के साथ बाहर जंप किया, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, आई लुक्ड फॉर रूप्स लेडर्स वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, आई अ मॉस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव, आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, बट द जंप मेड नो, लेकिन मेरे ऊपर उछलने से कोई अंतर नहीं आया, पानी अभी भी मेरे सर के ऊपर था, इतनी इतना उछल नहीं पाया था कि बाहर निकल आता, पानी अभी भी मेरे सर के ऊपर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रोप्स के लिए चिल्लाता रहा, आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रोप्स के लिए चिल्लाता रहा, और कभी मदर के लिए चिल्लाता, कभी मदर के लिए चिल्लाता, कभी रॉप्स के लिए चिल्लाता, लेकिन कोई नहीं था, नथिंग वाज़, ऑल इट वाज़ वेन, सबका सब वेन में था, सबका सब बेकार था, किसी को पुकारते पुकारने से कोई लाभ नहीं था। तो आई लुक्ड फॉर रॉप्स लेडर्स, लेडर्स कहते सीढ़ियां, वाटर विंग्स, वाटर विंग्स जो बाजुओं में बंधे रहती हैं कि वो मिल जाए, मैं उनसे उनको उनसे उनको बांध करके निकल जाऊं, लेकिन कुछ भी नहीं था, पानी ही पानी। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, येलोइश वाटर चारों ओर था, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और दहशत ने मुझे पूरी तरह, स्टार्क टेररिस्ट दहशत, डीप टेरर, डीप फियर मेरे चारों ओर था, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे कि बहुत बड़ा चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का लगता है, आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, डर के मारे में हिल गया, पूरा कांप गया, माय आर्म्स वुडंट मूव, मेरे, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, आई वाज कमिंग आउट ऑफ द एयरफुल येलो वाटर, एट लीस्ट माय आईज वर, माय नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और तभी बड़े अद्भुत ढंग से लाइट भी थी और मैं उस एयरफुल येलो वाटर से बाहर आ रहा था, और कम से कम मेरी आंखें तो बाहर थी ही, मेरी नाक भी बाहर आई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन जैसे बाहर आया तीसरी बार मैं नीचे जाने लगा, आई शुक्ड फॉर एयर, मैंने अपने नाक अपने नॉस्टिल्स से एयर को शूक किया, एंड गोट वाटर, पानी भी साथ में गया, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जैसे जैसे मैं नीचे जाता गया तो येलो लाइट जो मुझे दिख रही थी धीरे धीरे डिम हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड
Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. I whipped out fear. It whipped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go sleep, to need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. Oh, this paragraph is completely beyond the imagination. कल्पना से परे. जब उसके बस में कुछ नहीं रहा, उसने अपने हालातों पर अपने आप को स्वयं को छोड़ दिया. क्या कहा? Then all efforts ceased. सारे efforts बंद हो गए. थक चुके अंग प्रत्यंग. मैं रिलैक्स हो गया. मेरी टांगे लिंप हो गई, जड़वत हो गई, चल नहीं पा रही. एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. मेरे ब्रेन पर भी अंधेरा छा गया. इट विप्ड आउट फियर. डर भी बाहर हो गया. बताते हैं ना, जब मृत्यु सैया पर पता चलता कि मरने वाला हूं, तो मृत्यु का डर भी जाता रहता है. ये फैक्ट है. जब तक डरते हैं, डर तक तभी तक है. डर को अगर आप भगाते हैं तो डर फिर नहीं रहता. इट विप्ड आउट फियर, इट विप्ड आउट टेरर. अब सारा भय दूर हो गया. देयर वॉज नो मोर पैनिक. अब शरीर में कोई पैनिक नहीं था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. शांत और शांत वातावरण था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अब डर नहीं था और लग रहा था बिल्कुल अच्छा है. दिस इज नाइस. जब लगता है कि अब प्राण निकलने वाले हैं तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है. टू बी ड्रोजी, बेहोशी छाने लगी. टू गो टू स्लीप, जैसे सोने जाते हैं. अब जंप करने की आवश्यकता नहीं रही. सोचने लगा. टू टायर्ड टू जंप. अब इतना थक चुका था कि जंप नहीं कर सकता था. इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली. अब अच्छा लगने लगा था, जेंटल लगने लग रहा था. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस. स्पेस में फ्लोट, जब अपने आप को तैरने लगता उसे फ्लोट कहते हैं. टेंडर आर्म्स अराउंड. महसूस करने लगा अंतिम समय में कि मेरी माँ की उस बेनम्र भुजाएं, बाहें मेरे चारों ओर है. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. माँ जैसी नम्र बाहें मेरे चारों ओर है. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. अब मुझे सो जाना चाहिए. ऐसी कंडीशन लास्ट हो गई. आई क्रॉस टू ओब्लिवियन. अब मैं अंत की तरफ. तो ओब्लिवियन कहते एंड, अब अंत की तरफ था. एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. ऑफ लाइफ का पर्दा गिरने वाला था. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पोल. अब मैं जब बेहोश हो गया, द चैप द थ्रू मी इन द इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग समवन सेड द किड नियरली डाइड वी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लोकर रूम. नेक्स्ट अब मुझे बस केवल याद था कि मैं अब अपने पेट के बल लेटा हुआ था, पूल के किनारे पर वोमिटिंग कर रहा था. द चैप, वो लड़का जिसने मुझे उसके अंदर फेंका था, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग. मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था. समवन सेड, और किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, के बच्चा तो बिल्कुल मर गया था. बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक हो जाएगा, इसको चलो लोकर रूम में लेके चले. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक द होम. आई वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. घंटों बाद मैं घर गया. मैं कमजोर महसूस कर रहा था, कांप रहा था. I shook and cried. मैं हिल रहा था, चिल्ला रहा था. When I lay on माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था. आई कुडंट ईट दैट नाइट. मैं उस रात को सो नहीं पाया. फॉर डेज अ हॉन्टिंग, कई दिनों तक मेरे दिल में वो डर घर कर गया था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, हल्का सा कहीं से कोई प्रयास सा होता, वो मुझे अपसेट कर देता. हल्का सा प्रेशर भी, एक्सर्शन कहते हैं प्रेशर.
तो मुझे अपसेट कर देता, मेकिंग मी वोबली ना, मेरे घुटने कांपने लगते, सिक टू माई स्टमक, अपने पेट के बल लेट जाता, सिक हो जाता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी पूल के पास कभी गया नहीं। आई फियर वाटर, पानी से मुझे डर लगता। आई अवॉइडेड, मैं दूर रहता। इट वेन एवर आई कुड, जितना मैं रह सकता था। आई ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द लाइफ, वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम। एंड व्हेन एवर आई डिड, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन ऑफ द बंपिंग रिवर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रोक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। कुछ सालों के बाद जब मुझे पता चला कि कैस्केड्स में पानी है, कैस्केड्स वहां एक प्लेस है यूके में, मैं उसमें जाना चाहता था। और जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन या टाइटन में उतरा, नदी वहां की बंपिंग में, रिवर में बात करने के लिए वार्म लेक में, ग्रिट रोक्स की वार्म लेक है वहां पर गर्म पानी की, तो टेरर मेरे अंदर दौड़ जाता, सीस्ट में घेरा कर लेता, इन पूल वुड कम बैक और मैं वापस आ जाता, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, और डर मेरे अंदर पूरी तरह घर कर लेता, मेरी टांगे पैरालाइज्ड हो जाती और एक बर्फीला डर मेरे अंदर मेरे दिल में बैठ जाता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये बहुत दिनों तक मेरे दिल में ये हैंडीकैप, ये यानी ये अपंगता, ये डर की अपंगता मेरे दिल में, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में वर्षों तक चली। इन कैनोइज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लोकड सलमन, कैनोइज कहते छोटी छोटी नाव जिन पर बैठ करके फिशिंग करते हैं, जब मैं कभी उसमें जाता और फिश करने के लिए, लैंड लोकड सलमोन एक मछली का नाम है, फिश का नाम है, उसको करने के लिए जाता, या बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या बाश फिशिंग न्यू हैम्पशायर में जाता बाश फिशिंग के लिए, बास एक दूसरी मछली का नाम है, ट्राउट फिशिंग ऑन द ड्यूशर्स एंड मेटोलियस, और ड्यूशर्स में या मेटोलियस इन ओरेगन में जाता फिशिंग, और सलमन ऑन द कोलंबिया में जाता सलमन पकड़ने के लिए, एट बंपिंग लेक इन कास्केड्स, बंपिंग लेक में जाता कास्केड में, वेनर अवेंट जहां भी मैं जब भी मैं जाता, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, पानी का वो भय मेरे अंदर भर जाता, इट रूइन माई फिशिंग ट्रिप्स और मेरी फिशिंग ट्रिप्स का नाश कर देता, वो डेप्रिव्ड मी ऑफ द जॉयज ऑफ कैनोइंग, और मैं ना कैनोइंग कर पाता, ना बोट कर पाता, ना स्विम करता, उस सब जॉय आनंद बिल्कुल बेकार हो जाता। I used every way I knew to overcome this fear. मैंने हर वो तरीका अपनाया इस डर से को से पार पाने का, but it held me firmly in the grip. लेकिन वो तो उसकी ग्रिप इतनी तकड़ी थी कि मैं उसे बाहर नहीं आ पाया। Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. और 1 अक्टूबर को मैंने आखिरकार ये रिजोल्व कर लिया कि मैं तैरना सीखूंगा, इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया। I went to the pool and practiced 5 days a week, और मैंने पूल में जाने लगा और हफ्ते में 5 दिन सीखने लगा। एंड आर ईच डे, हर रोज 1 घंटा, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, रोप एक रस्सी उस बेल्ट में लटका देता, वेंट थ्रू अ पुली और पुली के थ्रू होकर उसमें जाता, एंड रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और मेरे सिर के ऊपर जो केबल रस्सी का होता उसके ऊपर दौड़, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और एक एंड रोप का वो खुद पकड़ता, एंड वैन एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, इस तरह से आगे पीछे करता, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल से कभी अंदर डालता कभी बाहर लाता, आवर्स एंड आफ्टर आवर्स, घंटों फिर घंटों तक, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ऐसा ही होता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब कभी कभी ट्रिप के बीच में ही जब हम ऐसा करते वो पैनिक मुझे घेर कर लेता, मेरे अंदर फिर आ जाता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रूप, हर बार जब भी इंस्ट्रक्टर अपनी रस्सी को ढीला करता, एंड आई वेंट अंदर, जब मैं अंदर जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो वो पुराना डर मेरे अंदर आ जाता और मेरी टांगे जम जाती,
It was 3 months before the tension began to slack. केवल 3 महीने पहले वो जो टेंशन था वो स्लैक होने लगा, वो कम होने लगा. वो जो टेंशन था अब जो मुझे सेटिस्फाई करने लगा. स्लैक कहते हैं सेटिस्फाइड, मेरी इच्छाओं को पूर्ति करने लगा. देन इट टोल्ड मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर. अब उसने मुझे सिखाया कि मैं अपने चेहरे को पानी के अंदर कैसे रखूं, एंड एक्सहेल, और कैसे पानी को एक्सहेल कर बाहर निकालूं, एंड टू रेज माई नोज, अपने नाक को ऊपर रखूं और इनहेल, और हवा को कैसे अंदर डालूं. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ द टाइम्स. मैंने सैकड़ों बार उस एक्सरसाइज को रिपीट किया, बट बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके आई शेयर पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर. इस तरह से मैं धीरे धीरे उस पैनिक को दूर करने की कोशिश करता रहा जब मैं पानी के अंदर अपना हेड रखता. नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल. फिर उसने मुझे पूल की साइड में पकड़ के रखा, एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और मेरी लेग्स पर किक मार कर के अंदर डालता. फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट. हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया. एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क. पहले पहल तो मेरी टांगों ने काम करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे फिर वो रिलैक्स हो गया. एंड फाइनली आई कुड कमांड देम. मैं अंत में उनको कमांड कंट्रोल करने लगा. दस पीस बाई पीस, इस तरह धीरे धीरे करके टुकड़ों में ही बुल्ट अ स्विमर, मुझे उसने स्विमर बनाया. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने हर पीस को परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. पूरे सारे पार्ट्स को एक साथ मिला करके मुझे सिखाया. इन अप्रैल ही सैड, अप्रैल में बोला, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो. डाइव ऑफ, डाइव लगाओ, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूल से लेंथ, पूरी लेंथ को पार करके आओ. क्रॉल स्ट्रॉक, रेंग करके आओ. आई डिड, मैंने किया. द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हुआ. बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन. अभी मुझे लगता था कि अभी भी मेरे अंदर भय है. व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में अकेला था. आई ट्राइड इट, मैंने ट्राई किया. आई स्वाम, मैं तैरा. एंड लेंथ अप द डाउन, पूरी लेंथ, फिर अंदर फिर बाहर. टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, छोटे छोटे टुकड़े उस पुराने डर के लौट के आते. बट नाउ आई कुड फ्रोन, लेकिन अब मैं फ्रोन, कहते गुस्से में आकर के डर को भगाने भगाने के. एंड से टू दैट टेरर, उससे कहता गुस्से में, टेरर से, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने का है, मुझे डराने का प्रयास करता है. वेल हियर इज टू यू, तुम यहां हो, देखो. एंड ऑफ आई वुड गो टू अनदर लेंथ ऑफ द, अब देख मैं, तुम कितना भी मुझे डरा लेना, अभी मैं पूरी लेंथ तैर करके आऊंगा. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक ऐसा ही चलता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी पक्का विश्वास नहीं था कि अभी पूरा टेरर चला गया हो. सो आई वेंट टू द लेक, इसलिए मैं लेक में गया. अब तालाब को छोड़ दिया, अब लेक में गया. और लेक में जाकर कहां पर वेंट फोर्थ, इन न्यू हैम्पशायर में गया. डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और डाइव ऑफ किया कहां पर, ट्रिग्स आइलैंड में. एंड स्वाम 2 miles, और 2 मील दौड़ा, 2 मील तारा अक्रोस द लेक टू द स्टाम्प एक्ट आइलैंड पे जाकर के. आई स्वाम द क्रॉल ब्रीस्ट स्टॉक, मैं तैरा रेंग करके ब्रीस्ट स्ट्रोक से, साइड स्ट्रोक से, एंड बैक स्ट्रोक, हर तरह के स्ट्रोक लगा करके. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, बस एक बार ही रिटर्न किया टेरर ने, डराया मुझे. मैंने बस इन द मिडल ऑफ द लेक, जब लेक के बीच में था. आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा नीचे किया. एंड सा इन द मिडल ऑफ द लेक, और मिडल में देखा लेक के. आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अंदर अपने फेस को रखा. एंड सा नथिंग, कुछ नहीं दिखा, बट बॉटम लेस वाटर, जब मुझे डर लगा, जब बॉटम लेस वाटर, जब तली ही चमक नहीं रही थी, तलहटी चमक नहीं रही थी. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, पुरानी वही संवेदनशीलता वो डर लौट आया. इन मिनिएचर, मैंने थोड़ा सा. आई लाफ्ड, मैं हंसा. एंड सैड, और बोला, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते, यू कैन डू टू मी, अब तो मुझे डरा पाओगे. इट फ्लेड, वो भाग गया. एंड स्वाम ऑनर, और खुद आई स्वाम ऑनर में तैर गया. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अभी भी मेरे पास थोड़े थोड़े डाउट्स हैं मेरे मन में. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब मैं, मेरा पहला अवसर था. आई हरीर वेस्ट, मैं वेस्ट में तेजी से गया. वेंट अप द टाइटोन में गया, टू कॉन्ट्रैड नीडोज में गया. ये सब वो जगह है जहाँ पर ये बड़ी बड़ी रिवर्स और लेक्स हैं.
एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रीक स्ट्रील टू मिडल ग्रेशियर में गया एंड क्रैम्प इन द हाई नीरो और बड़े बड़े हाई ऊंचे ऊंचे नीरोज जो घास के मैदान थे बाय द साइड ऑफ वार्म लेक गर्म झील के किनारे पर गया वहां पर भी तैरा। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह आई स्टिप्ड डाइव्ड इन टू द लेक अगली सुबह मैं उस लेक में गया एंड स्वाम अक्रॉस द टू द अदर शोर दूसरे छोर तक तैर कर गया एंड बैक और फिर वापस आया। जस्टिस डाउग कॉर्प्रॉन यूज्ड जैसे डॉग क्रोजी किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय मैं आनंद से चिल्लाता एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द ईको और गिलबर्ट पीक जो उसकी चोटी पहाड़ था उसे टकरा कर वो गूंज वापस आती। आई हैड कंकोर्ड माई फेयर ऑफ वाटर और मैंने अपने उस जल के डर को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी ये अनुभव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ओनली दोज हु हैव नोन स्टार टेरर एंड कंकर्ड इट उनके लिए बहुत मायने रखता है जिन्होंने अपने भय पर अपने उस स्टार्क फेयर उस अपने दहशत पर जीत हासिल की हो। इट कैन एप्रिशिएट वो इसको एप्रिशिएट कर सकता है वो इसकी प्रशंसा कर सकता है। इन डेथ देयर इन पीस मौत में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ डेथ में शांति होती है लेकिन डेथ के डर में टेरर होता है। कितनी बड़ी बात कही है यानी जब डेथ हो जाती है तो पीस हो जाती है। डेथ से पहले जो डर लगता है उसमें ही टेरर होता है। द रूजवेल्ट न्यू रूजवेल्ट जानता था वह जब उसने ये बात को कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ जिस बात का हमें डर है बस वो डर ही डर से ही डर है बस डर मानो तो डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया था मरने का अनुभव भी एंड टेरर डर का भी। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस वो डर पैदा हो सकता है। द विल टू लिव समहाउ ग्री इन इंटेंसिटी लेकिन जीने की चाह आपके अंदर बहुत तेजी से पैदा हो सकती है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड अंत में मैंने अपने आप को रिलीज्ड महसूस किया। फ्री टू वॉक टू द ट्रेल्स ट्रेल्स निशान बनाते हुए चलना निशानों पर चलना एंड क्लाइंब द पीक्स और चोटियों तक छूना एंड ब्रश असाइड फियर और एक तरफ डर को रख देना ये मैंने सीख लिया था। थैंक यू वेरी मच।